जैसे मकाओ साइड वाइज मेटिंग करते हैं। ये जो ग्रीन विंग मकाओ का ब्रीडिंग पेयर है, ये पिछले 2 सालों से तो मतलब मेट कर रहा है और अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। मैंने सोचा ये जो ब्रीडिंग बॉक्स इन लोगों के लिए लगा के रखे थे, शायद इन लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पता नहीं। बॉक्स का अंदर तो उतना जाता नहीं, ऊपर ज्यादा बैठा रहता है और यहाँ नीचे से मतलब ऑब्जर्वेशन गेट से फीमेल अंदर जाती है, कभी कभी बैठती है। तो इसी के लिए हम सब ने मिलके, अंकल जी, संजय, समीर, हम सब ने मिलके सोचे है कि ब्रीडिंग बॉक्स को चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कुछ रिजल्ट आता है कि नहीं। और ये इतना भारी है, यहाँ से नीचे कैसे उतारू इसको तभी से, और इतना तेज गर्मी है, ऊपर तो टीन का शेड है। हमको रिनोवेशन कराना है, कुछ काम कराना है एवियरी का, फिर अभी जो है इस साल तो ऐसे ही चलेगा। तो अभी इसको उतारना है और देखते हैं इतना भारी नेट बॉक्स को, मतलब अकेले हिलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसको यहाँ नहीं चढ़ाएंगे, नीचे यहाँ कहीं शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, ऐसे फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं खड़ा हूँ और पसीना पसीना हो रहा है एकदम। तो नीचे ही शिफ्ट करेंगे, फिलहाल तो इनको नीचे उतरना है, यही सबसे बड़ा काम है। बहुत ज्यादा भारी था लेकिन सावधानी से हम लोगों ने इसको नीचे उतार लिया। अभी अच्छा इसको एकदम बाहर लेके, नया वाला जो है देखिए वो अंदर आता है घर में, तो से ज्यादा इन लोगों का एज हो रहा है। और देखेंगे ये जो नेक्स्ट बॉक्स यहाँ ऐसे करके ऊपर लगाएंगे और देखेंगे कि कुछ होता है कि नहीं, मतलब चेंज बढ़ेगा कि हाँ, जब बीच चलेगा तभी समझ पाएंगे कि हाँ हम लोगों ने ऐसे कुछ चेंजेस किया इसके कारण ही हुआ। सीखेंगे इतना इतना तेज गर्मी है। हाँ मिल गया, मतलब ये पहले से हम लोग दूसरा काम के लिए यहाँ लाए थे, लेकिन अभी इसको देख के पूरा बॉक्स को हैंग कराएंगे, मतलब उतना हाइट में नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ऊपर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर आ रहा था, शायद इसी के लिए ये लोग ब्रीडिंग में नहीं आ रहा था, पता नहीं। तो बॉक्स को अभी नीचे, मतलब जहाँ उसका ग्राउंड था अभी उसका टॉप वही होगा, मतलब नीचे से ऐसे करके हैंग करके लगाएंगे और चेन से ऐसे करेंगे क्योंकि बॉक्स बहुत ज्यादा भारी है। चलिए आगे जी, ठीक है।
ऐसे इस तरीके से सेट किया कि मतलब तो पहले बॉक्स जो था इसका ऊपर से और यहाँ से बहुत ज़्यादा हिल जाने का, तो इसी के लिए शायद वो लोग मतलब प्रॉब्लम फील कर रहा था, इसी के लिए बिल्डिंग में नहीं आया। और अभी जो किया थोड़ा सा नीचे, ये उसका बटन था, अभी ये इसका टॉप हो गया, मतलब और नीचे जो शेड है मतलब वहाँ जो नहाने का पानी साफ करते थे हम लोग वो एकदम पूरा के पूरा खोल देंगे, ताकि इसको एकदम हैंग करके रख देंगे तो वो लोग सोचेगा कि हाँ ये बहुत हाइट में है और ऐसे हैंग किया हुआ है तो कोई इतना आसानी से यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगा, ज़्यादा सिक्योर फील करेगा, हो भी सकता है बहुत ही जल्दी जल्दी हो भी सकता है। अभी हम लोग आ गए ब्लू एंड गोल्ड मकाओ का केज में, और ये रहा एक और ये दूसरा। एक्चुअली ग्रीन विंग्ड मकाओ का केज में हम लोगों ने तो बहुत खूबसूरत तरीके से वहाँ नेस्ट बॉक्स लगा दिया है, और ये रहा दोनों ब्लू गोल्ड, लेकिन ये दोनों अभी छोटे हैं, इन दोनों को हम लोग ओपन एवियरी में छोड़ देंगे। और एक पेयर नया ब्लू गोल्ड का ब्रीडिंग पेयर पैरट दीपंकर एक्जोटिक बार्ड ब्रीडिंग फार्म पे आए हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ ऐसे हम लोग फिर से ग्रीन बॉक्स सेट कर रहे हैं, और उसके बाद इन दोनों को बाहर ओपन एवियरी में छोड़ने के बाद वो ब्रीडिंग पेयर ब्लू गोल्ड को यहाँ लाके छोड़ेंगे और देखेंगे। इस साइड तो ग्रीन विंग्ड मकाओ है और इस पार ब्लू गोल्ड का ब्रीडिंग पेयर को छोड़ेंगे और देखेंगे इन दोनों पेयर्स के अंदर कौन क्या रिजल्ट करता है कि नहीं। और ये दोनों ब्लू एंड गोल्ड मकाओ बहुत बदमाश है। वरुंदा क्या कर रहे हो? संजय बहुत भारी है। अरे इतना डिस्टर्ब मत करो, ऐसे में कोई काम कर पाएगा? हम लोगों ने इस तरीके से सेट कर दिया है, और अभी इन दोनों को बाहर ले जाके ओपन एवियरी में छोड़ेंगे, और जो ब्रीडिंग पेयर है उन लोगों को ले आके, मतलब ब्रीडिंग पेयर एकदम तो कह नहीं सकते, थोड़ा सा बाकी है, मतलब इस साल तो होने का चांस बहुत कम है, अगले साल में अगर कुछ होगा तो देखा जाएगा। और फिलहाल यहाँ छोड़ेंगे, नेस्ट बॉक्स भी सही तरीके से हम लोगों ने लगा दिया, लेकिन ये नेस्ट बॉक्स तो कितना दिन रखेगा, कितना दिन नेस्ट बॉक्स टिक पाएगा वही बात है, क्योंकि मकाओ काट के तोड़ फोड़ करने में माहिर है। और तो फाइनली ये जो नेस्ट बॉक्स लगाने का काम था हम लोगों ने सही तरीके से सक्सेसफुली लगा दिया, नीचे कुछ नहीं रखा ताकि उन लोगों को फील हो कि हाँ बॉक्स ऐसे हैंग किया हुआ है और मतलब यहाँ आसानी से कोई पहुँच नहीं पाएगा। और इसका सामने कुछ लगाएंगे कि नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ नेट है, यहाँ पकड़ के अंदर जाने का रास्ता है, और देखेंगे अगर जरूरत होगा तो लगा देंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। और फिलहाल देखेंगे आगे क्या होता है कि मतलब बॉक्स के अंदर जाता है कि नहीं, और वीडियो में तो आप लोगों को अपडेट मिलता ही रहेगा। ठीक है, तुम लोगों को अभी बाहर जाना है। और ये रहा हम लोगों का गाला कॉकाटू, और यही है वो ब्लू गोल्ड का ब्रीडिंग पेयर। इसी पेयर के लिए हम लोगों ने अभी जो नेस्ट बॉक्स लगाया उसी केज में, यही तो ब्लू एंड गोल्ड मकाओ को छोड़ेंगे एवियरी में। और ये लोग तो अभी पूरा के पूरा एडल्ट नहीं हुआ, 1-1.5-2 साल के बाद शायद ब्रीडिंग के लिए हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है, अगर कोई बार्ड्स को एकदम बचपन से बहुत ही अच्छे डाइट के साथ हम लोगों ने बड़ा किया तो थोड़ा जल्दी ब्रीडिंग में आ जाते हैं। और देखेंगे ये तो सारे के सारे हैंड फीडिंग करा के 4-4.5 साल ऐसे एज हो रहा है, 5 साल में जाके ब्रीड भी कर सकता है, देखेंगे क्या होता है। अंकल जी पकड़िए, चलो तुम जाओ तुम चले जाओ, मतलब एकदम मतलब ऐसे नहीं करेंगे तो काटेगा, ये देखिए काटेगा ऐसे, अरे ऐसे कोई क्या है ऐसे, और नहीं जाओ वहाँ जाओ, मतलब क्या कहूँ, एकदम एंटरटेनिंग बार्ड है पूरा फार्म में, नहीं और नहीं, इन दोनों को अभी के लिए यहाँ रखते हैं, क्योंकि ये जो दो टेम है ब्लू एंड गोल्ड मकाओ इन लोगों को अभी ओपन एवियरी में छोड़ेंगे, उसके बाद इन लोगों को स्टेज में ले आके छोड़ेंगे। आ जाओ तुम आ जाओ, ना मत कुछ काट ना मत, अभी ओपन एवियरी में फ्लाई करना है, और ये फर्स्ट टाइम के लिए ओपन एवियरी में छोड़ा जाएगा। इससे पहले बारिश का मौसम आने से पहले एक बार मतलब 1-2 दिन के लिए छोड़ा था, और उसके बाद तो 3-4 महीने से फिर से उसी केज में डाल दिया था, फिर से आज छोड़ा जा रहा है, देखेंगे। और ये तो बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त फ्लाई करता है, चलो फ्लाई करके दिखाओ तो, चलो हाँ गुड
एवियरी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छे से फ्लाई कर लेते हैं, मतलब बहुत अच्छा फ्लाई करता था इतना, मतलब जब इस सेपरेट केज में था तो एकदम स्ट्रेट, मतलब यहाँ से उड़ के यहाँ तक जा पाता था, मतलब बहुत ज़बरदस्त फ्लाई करता है ये ब्लू एंड गोल्ड मकाव। और इसी के लिए इस एवियरी में इसको फ्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आराम से यहाँ से वहाँ फ्लाई कर पाएगा। और मंका को देखो, कोई झगड़ा नहीं, सांस फूल रहा है, मतलब बहुत दौड़ भाग किया, उसको बहुत भगाया, नहीं नहीं तुमको और कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तुमको और कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक्चुअली इसका एक ही पैर है, बचपन से एक पैर नहीं है, तो एडजस्ट कर लेगा। इससे पहले भी बहुत सारे बार्स मैं मेरा ओपन एवियरी में छोड़ के रखा था, जिन लोगों का एक ही पैर था, दूसरा पैर नहीं था, फिर भी वो लोग, मतलब पहले तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है एक दो दिन, उसके बाद वो अपना हिसाब से पूरा एडजस्ट करके खुशी यहाँ फ्लाई करते हुए मतलब रहता था। क्या हो रहा है, सनकॉर्नियर्स तो सबको भगाता है, और आज फर्स्ट टाइम देखा ऐसे कि मंका को भी बहुत अटैक करता था। जब फर्स्ट टाइम मंका को ओपन एवियरी में छोड़ा था, मैं आप सभी के साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि सारे सनकॉर्नियर्स मंका को भगा रहा था, बहुत तंग कर रहा था, लेकिन आज जो देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम ब्लू एंड गोल्ड मकाओ सनकॉर्नियर्स को भगा रहा है, बहुत अच्छा बात है। इन लोगों को भी कभी कभी सबक सिखाना चाहिए। और ये रहा फीमेल, मतलब पहले जिसको छोड़ा वो मेल है, वो तो पूरा एडजस्ट कर लिया, और ये इतना आसानी से बाहर नहीं आ रहा था, इसी के लिए थोड़ा सा पकड़ के बाहर लाना पड़ा। हाँ तो हो गया, छोड़ दिया दोनों को। ये रहा फीमेल, और मेल तो वहाँ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, यहाँ वहाँ पूरा एवियरी में घूमना शुरू कर दिया है। और तो अभी हम लोग जो करेंगे, इन दोनों को नया केज में छोड़ेंगे और देखेंगे नया केज में इन लोगों का मूवमेंट एटीट्यूड कैसे होता है। ऊपर यहाँ ऐसे छोड़ेंगे ताकि आसानी से ये लोग ऊपर चढ़ पाए। संजय इसको पकड़ लो, चलो चलो चलो, गुड, यस। मेल बाहर निकल गया और फीमेल अभी अंदर है। और मैकाओ थोड़ा बड़ा होने के बाद मेल फीमेल पहचानना तो बहुत मुश्किल होता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब, मतलब मेल का हेड थोड़ा छोटा होता है और फीमेल का हेड बड़ा होता है। दूसरे सारा स्पेसीज में हम लोग देखते हैं कि मेल बड़ा होता है, मेल का हेड थोड़ा बड़ा होता है, फीमेल का छोटा होता है, लेकिन मकाउस में, मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं जितना सारा मकाउस का पेयर को देखा हूँ, जो मेल होता है उनका हेड थोड़ा सा छोटा होता है, और जो फीमेल होता है उनका हेड थोड़ा बड़ा होता है, साइज भी थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। चलो, और ये दोनों भी फुल हैंड टेम है। चलो बाहर आ जाओ, चलो ये भी बाहर आ गया। और यहां मैं सारे व्यूअर्स के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम लोग कोई बार्ड को ब्रीडिंग के लिए दिखा रहे हैं, ब्रीडिंग सेटअप में सेपरेट करके रख रहे हैं, मतलब उन लोगों से ब्रीडिंग का उम्मीद रखते हैं, वाओ ये बहुत अच्छा हुइसलिंग भी करता है। अरे नहीं नहीं, कोई गुस्से वाला कोई बात नहीं है, सब ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने नेस्ट बॉक्स भी लगा दिया है। हाँ चलो जल्दी से अभी मेट करके नया नया बेबीज को लाना है। हाँ तो जो बात कह रहा था, अगर हम लोग सोचते हैं कि कोई बार्ड को ब्रीडिंग कराने के लिए, मतलब सेपरेट ब्रीडिंग केज में अच्छा सा नेस्ट बॉक्स लगा के ब्रीडिंग का उम्मीद रख के उन लोगों को सेपरेट कर रहे हैं, तो दो चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। पहले तो डीएनए करा लेना है, एकदम डीएनए करा लेना ही है आपको, क्योंकि जब दो साल बाद पता चलेगा कि नहीं ये मेल और फीमेल नहीं है, दोनों मेल है या दोनों फीमेल है, तब तो बहुत ज्यादा मतलब डिमोटिवेट हो जाने का बात होता है। इसी के लिए डीएनए कर लेना बहुत जरूरी है। उसी के साथ एक चीज देख लेना है कि दोनों बर्ड फ्लाई कर पा रहा है कि नहीं। देखिए कुछ बार्ड साइड वाइज मेटिंग करते हैं, जैसे मकाओ साइड वाइज मेटिंग करते हैं, लेकिन अफ्रीकन ग्रे मेल फीमेल का ऊपर चढ़ के मेटिंग करते हैं, वहाँ तो बहुत जरूरी है दोनों पंख सही होना, क्योंकि वो जब पूरा बैलेंस करके मेल फीमेल का ऊपर चढ़ के ही मेट करते हैं। नहीं नहीं क्या हुआ, मेल फीमेल का ऊपर चढ़ के ही मेटिंग करते हैं, लेकिन बाकी का सारे बार जैसे मकाओ सनकॉर्नियर और साइड वाइज मेटिंग करते हैं, फिर भी उन लोगों का दोनों पंख सही रहना चाहिए, मतलब इजीली फ्लाई कर पाते हैं, ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को ब्रीडिंग के लिए सेपरेट केज में डालना सही रहता है। हाँ ये दोनों तो बहुत जबरदस्त टॉकिंग भी कर रहा है। और तो सारे व्यूअर्स के पास कमेंट्स का इंतजार रहा, मतलब वो दोनों ब्लू एंड गोल्ड मकाओ को हम लोगों ने ओपन एवियरी में छोड़ा, और इन दोनों को ऐसे यहाँ नेस्ट बॉक्स लगा के, ये दोनों बॉन्डेड पेयर है पहले से ही हमको पता था, राइट साइड में जो है वो मेल है और लेफ्ट में फीमेल है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव भी है, तो देखते हैं कितना जल्दी ब्रीडिंग में आते हैं। और सारे व्यूअर्स के पास कमेंट्स का इंतजार रहा, इतना खूबसूरती के साथ हम लोगों ने ब्रीडिंग बॉक्स लगाया, और यहाँ जो दो ब्लू एंड गोल्ड मकाओ था उन लोगों को बाहर छोड़ दिया, और इन लोगों को अंदर छोड़ा। तो इन लोगों का बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ब्रीड करेगा कि नहीं, क्या है आप लोगों का मन में, जरूर इस वीडियो का नीचे कमेंट करके बताइएगा। डरा क्यों रहे हैं? तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया।
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है क्या? इस साल में कुछ हो जाएगा शायद ब्रीडिंग वगैरह, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, मतलब इन दोनों का दोनों आँख को देख के पता चल रहा है। और एक साल मतलब इस साल नहीं करेगा तो अगले साल मतलब थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं, होगा कि नहीं पता नहीं, फिर भी उम्मीद रख सकते हैं। और तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो सारा फ्रेंड्स है उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसके बगल में एक बेल आइकन भी अपीयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो हम लोग यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।